हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ गया हूं दोस्तों प्रेगस मॉल में, जो कि दोस्तों ये द्वारका सेक्टर 14 में बना हुआ है। बाकी इसका मैं आपको पूरा फुल टूर कराऊंगा, वो भी नाइट में। भाई नाइट में टूर कराऊंगा, इसके बाहर का जो पूरा इंटीरियर है अंदर का ये मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसके अंदर शॉपिंग शॉप्स दिखाऊंगा, फूड कोर्ट एरिया, PVR, गेम जोन दिखाकर जो है आपको पूरा जो है इस पूरे मॉल का फुल टूर कराने वाला हूँ, वो भी नाइट में। बाहर का जो है यहाँ पर एक फाउंटेन जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ नाइट में, जिसमें लाइटनिंग्स की जाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बात रही दोस्तों यहाँ की टाइमिंग्स की, यहाँ की टाइमिंग्स क्या रहती है वेगस मॉल में जाने की। तो भाई वेगस मॉल में जाने की जो टाइमिंग्स है वो सुबह, ये जो मॉल है ये सुबह 10 बजे खुल जाता है और रात के 12 बजे तक ये पूरा मॉल जो है ये चलता है। यहाँ की जो है दोस्तों यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगी वो द्वारका सेक्टर 14 की ये रहने वाली है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लेकर जो है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ आते हैं तो ये जो है दोस्तों सेक्टर 14 का मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में जो है यहाँ पर वेगस मॉल के साथ में जो है यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे स्टैचूज तैयार किए गए हैं। मॉडिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो है लाइटनिंग्स की गई है ट्रीज पर, देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से लाइन में ट्रीज लगाए गए हैं। बाकी बाहर आपको हेयर सैलून की शॉप देखने को मिल जाती है और भी कई सारे फूड्स की शॉप जो है बाहर आपको देखने को मिलती है। बाकी ये देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह यहाँ स्टैचू बनाए हुए हैं। भाई ये है मॉल का एंट्री गेट, देख रहे हैं यहाँ से जो है अपनी एंट्री हो गई है। बाकी वहाँ से जो है आपको पार्किंग में जाने का रास्ता मिल जाएगा आगे से। बाकी बढ़िए बढ़ते हैं भाई यहाँ से आगे। चलिए भाई कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको पूरा एरिया टूर कराती हैं। बाकी ये देखिए भाई यहाँ पे जो है टॉय ट्रेन खड़ी हुई है, ये भी आप यहाँ जो है टॉय ट्रेन में भी आप टूर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी आगे भी कार्स खड़ी हुई हैं, इनमें भी आप जो है टूर कर सकते हैं। बाकी वहाँ डक टाइप की जो है ये भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनमें भी जो है आप यहाँ पर टूर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है गाड़ियाँ सीधी अंदर मॉल की तरफ बढ़ती हैं गेट की तरफ, यहाँ पर आप देख आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बाकी भाई आप जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बाकी भाई अब जो है अब आपको लेकर आ गए हैं वेगस मॉल के जो है हॉल एरिया में। अभी अंदर नहीं लेके चल रहे, उससे पहले बाहर का एरिया दिखा देता हूँ, बाहर किस तरह जो है पूरा एरिया बना हुआ है। बाकी मेन एंट्री गेट यहाँ से है, देख रहे हैं पूरा। बाकी भाई यहाँ जो है कई सारे जो है बदलाव किए गए हैं 2023 को देखकर। भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया फाउंटेन ये बना हुआ है, ये देखिए भाई नीचे से जो है पूरा डाउन लेवल से जो है पानी निकलता है और ऊपर की तरफ आता है, तो ये चीज़ भी भाई काफ़ी बढ़िया हो जाती है, देख रहे हैं। और बाकी यहाँ जो है आप गाड़ियों में बच्चों के साथ जो है यहाँ पर टूर कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ कई सारी गाड़ियाँ चल रही है, बच्चे अपने आराम से जो है गाड़ियों में टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे एरिए में, तो ये चीज़ भी भाई काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। तो भाई कुछ इस तरह बन रहा है, देख रहे हैं इसमें जो है आप चल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। भाई ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देखिए अभी कुछ देर के लिए बंद हो गया, अभी थोड़ी देर में चलेगा। ये देखिए भाई ये चल गए भाई सारे चल गए, ये देख सकते हैं उस तरफ से कि इसके बाहर भी जो है कई बड़ी बड़ी कंपनीज ऊपर बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आपको कई सारी शॉप जो है यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगी बाहर। तो चलिए अब जो है अंदर की तरफ बढ़ते हैं वेगस मॉल की तरफ। बाकी ये देखिए भाई एक बार मेन गेट देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से जो है इसको लुक दिया गया, ऊपर से देख सकते हैं भाई कितना बढ़िया डिजाइन है ये देखने। बाकी यहाँ जो है चेकिंग होकर आपको जो है यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है वेगस। तो चलिए अब जो है अंदर लेते हैं एंट्री। भाई अब जो है एंट्री लेते हैं यहाँ से। चलिए तो लो भाई यहाँ जो है यहाँ से ले ली है एंट्री वेगस मॉल के अंदर, ये देख सकते हैं भाई काफी बढ़िया जो है ये पूरा मॉल का इंटीरियर बना हुआ है। बाकी ये मेन जो है मेन हॉल है यहाँ का।
देख सकते हैं यहाँ जो है कई सारे ब्रांड्स की जो है ओपनिंग पूरी दिखाई गई है। बाकी नीचे आपको कई सारे क्लॉथ्स की जो है यहाँ पर शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ नीचे देख सकते हैं कुछ इतने एरिया में जो है यहाँ पर आपको नीचे ग्राउंड एरिया में जो है यहाँ पर तो भाई ड्रेसेस की कई सारी शॉप जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब जो है ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और अलग अलग जगह देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ का जो इंटीरियर है ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख रहे हैं। और ऊपर देख सकते हैं इस मॉल का जो है ये रिसेप्शन एरिया है, ये एरिया है। जैसे अगर आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा। और चीज़ें कहाँ, लिफ्ट कहाँ है, PVR लेवल 3 कहाँ है, फूड कोर्ट एरिया कहाँ है, रेस्टोरेंट और फन सिटी लेवल कहाँ पर है, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब जो है ये आ गए हैं दूसरे एरिया में, देखें अभी जो अभी तक जो थे हम इस एरिया में थे, अब आ गए हैं दूसरे एरिया में। यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से जो है ये पूरा एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर लेडीज़ ड्रेसेस आपको यहाँ पर शॉप्स देखने को मिल जाएंगी इनकी। तो चलिए भाई अब जो है लेकर चलते हैं आपको ऊपर, ये देख सकते हैं भाई ऊपर जो है यहाँ चल दिए हैं अभी। यहाँ पर जैसे अलग अलग ड्रेसेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड ड्रेसेस जो है पूरी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। ज़्यादातर मैंस टी शर्ट शर्ट और शूज़ इन चीज़ों की जो शॉप है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बाकी अलग अलग ट्रैवलिंग बैग्स की शॉप आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाती है मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर पर ही। बाकी ऊपर चलकर देखते हैं कि थर्ड या सेकंड फ्लोर पर हमें PVR या प्ले गेम जो है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो भाई आपको जो है यहाँ पर पूरे मैक्सिमम इस पूरे एरिया में जितने शॉपिंग शॉप्स हैं वो मैक्सिमम आपको 214 आपको जो है यहाँ पर शॉपिंग शॉप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब जो है आपको ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं वहाँ कौन से एरिया में जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी PVR किस तरफ है और जो है फन सिटीज़ किस तरफ आपको जो है देखने को मिलती है, तो उस तरफ जो है आपको लेकर चलने की कोशिश करते हैं। चलिए जो है लेडीज़ अलग अलग फैंसी ड्रेसेस साड़ी सूट जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। शूज़ की शॉप आपको यहाँ देखने को मिल जाती है जो कि अब हम आ गए सेकंड फ्लोर पर। ये आप पूरा देख सकते हैं ये सैलून की शॉप है। देखिए अलग अलग सोफे फर्नीचर का पूरा काम जो है इंटीरियर का ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। अलग अलग लेडीज़ बैग और नाइट ड्रेस इन सभी से रिलेटेड जो शॉप्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है आगे तक। बाकी ये देख सकते हैं ये वॉच की शॉप है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से है ना। ये फर्नीचर देख सकते हैं कुछ इस तरह से बने हुए यहाँ पर, देख रहे हैं हॉर्स के रूप में। कि भाई अब जो है अब आपको लेकर आ गए हैं टाइम जोन की तरफ जहाँ आपको प्लेइंग गेम एरिया जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं भाई अब जो है यहाँ से ले लिया हमने एंट्री। बाकी देखते हैं यहाँ कैसी कैसी राइड्स जो हैं ये बनी हुई है। यहाँ पर आपको अलग अलग गेम्स देखने को मिलती है जिसमें आप जो है यहाँ से अलग अलग जो है ये ले सकते हैं, टेडी बियर्स जीत सकते हैं। ये चीज़ें भाई काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। बाकी ये गेम आप खेल सकते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर 3D गेम्स जो हैं बैठ कर आप जो है अलग अलग एडवेंचर कर सकते हैं, इसमें 3D सफ़र जो है वो करने को मिलता है। और आगे देखते हैं भाई यहाँ जो है आपको बाइक राइड आपको यहाँ करने को मिल जाती है, देख सकते हैं वो भी कुछ इस तरह से, देख रहे हैं। बाकी आगे हॉर्स राइडिंग आपको देखने को मिल जाती है, कार राइड है यहाँ पर वो भी 3D टाइप, देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है आपको करने को मिलती है। बाकी आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ जो है आप कैंडी और भी कई सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पर जीत सकते हैं, खेल सकते हैं। बाकी भाई यहाँ जो है वाटर लेवल वाली गेम आपको यहाँ देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह, आपको जो है डायनासोर पर वाटर से निशाना लगाना पड़ता है इस तरफ। बाकी यहाँ पर जो है आपको एक और 3D गेम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, वो भी वाटर से निशाना लगाना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। बाकी ये यहाँ पर और अलग अलग गेम्स है, रोलिंग बॉल वाली गेम आपको यहाँ देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो है आपको कई हैमर मारने वाली गेम देखने को मिल जाती है जिस पर रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, और कई सारी कार वाली गेम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। कि ये अलग ही स्पिनर वाली गेम है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए रोलिंग बॉल वाली ये देख सकते हैं गेम। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर पार्टी भी कर सकते हैं, एक पार्टी हॉल भी यहाँ पर बनाया हुआ है। जो आपने गेम देखी होगी वो वहाँ पर रोलिंग बॉल्स फेंकने वाली गेम जो थी वो आपको वहाँ देखने को मिली। दोस्तों ये जो आप गेम देख रहे हैं दोस्तों ये है रोलिंग वाली गेम जिसमें आपको बॉल फेंक के ये इतनी बोतल से ही गिरानी पड़ती है भाई। ये काफ़ी अलग ही टाइप की गेम है, देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो है मग में अलग अलग बॉल से इकट्ठी करनी पड़ती है। ये कैरम टाइप वाली गेम पूरी यहाँ बनी हुई है। ये देखिए एक और यहाँ 3D गेम बनी हुई है यहाँ पर,
तो भाई ये जो पूरा एरिया था ये मैंने आपको दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो भाई यहाँ जो टाइम जोन था ये तो हमने देख लिया, तो चलिए अब जो है यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे। चलिए तरह स्टैचू बने हुए हैं, आप यहाँ जो है फोटो शूट करा सकते हैं, जो है यहाँ पर कुछ इस तरह भी आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये बैठने के लिए भी काफी बढ़िया सिस्टम जो है ये पूरा तैयार किया हुआ है। तो ना कई सारे स्टैचू आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये अलग ही तरह की जो है चेयर्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर तीन फ्लोर आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। नीचे ग्राउंड है जहाँ से हमने अंदर एंट्री ली थी, बाकी ये पूरा एरिया ऊपर का है और ये तीसरा ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड ऊपर थर्ड, ऐसे जो है पूरे फ्लोर जो है यहाँ पर बने हुए हैं। बाकी भाई आपको जो है यहाँ कुछ इस टाइप से कैफे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नहीं, अब आपको लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये देख सकते हैं ऊपर जो है, ऊपर है कई सारे फूड कोर्ट एरिया, तो वो जो है वो आपको दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऊपर, जो आ गए हैं आपको फूड कोर्ट एरिया में लेकर। यहाँ मैं आपको सिर्फ सीन दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ये जो थे यहाँ पर मैंने आपको फूड कोर्ट एरिया जो था ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो चलिए अब जो है बढ़ रहे हैं यहाँ से ऊपर। चलिए कि यहाँ जो है भाई फोटो शूट करा सकते हैं। हाँ भाई, फोटो शूट का काफी बढ़िया एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर। तो भाई आज जो है अभी ऊपर आए हैं तो यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको फन सिटी एरिया में, कम प्ले गेम में। इसमें देखते हैं कौन कौन सी राइड्स हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ जो है अब आ गए हैं फन सिटी एरिया में। भाई काफी बढ़िया जो है ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर। एक और हमने नीचे गेम जोन देखा था, यहाँ पर फन सिटी देखने को मिल जाती है। अलग अलग राइड्स, 3D राइड्स आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए भाई स्पोर्ट मोटर बाइक राइड आपको देखने को मिल जाती है, कार राइड आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं भाई आगे जो है एक राइड आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, ये राइड है पूरी। और मोटर राइड देखने को मिलती है, यहाँ बाइक राइड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ देखने को मिल जाती है आपको टॉय ट्रेन वाली गेम आप इसे कह सकते हैं, कुछ इस तरह जो है छोटे बच्चों के लिए बनी हुई है ये। तो ये चीज जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं भाई, काफी बढ़िया जो है ये बनी हुई है। ये देखिए भाई इसमें अलग अलग गाड़ी बनी हुई है, देख सकते हैं फायर ब्रिगेड गाड़ी, बस और कई सारी गाड़ी जो है इसमें बनी हुई है छोटे बच्चों के लिए। प्ले के एरिया में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है जो कि ब्रिज के ऊपर से होती हुई आती है। हाँ जो है आप कार्निवल गेम्स आप यहाँ खेल सकते हैं पूरे एरिया में। आगे भी आपको अलग अलग जो है ट्रैम्पलिंग और भी कई सारी गेम्स जो है बच्चों को यहाँ देखने को मिल जाती हैं। जिस तरह से ये देख सकते हैं आगे, ये देख सकते हैं भाई ये गेम आगे, हॉर्स राइड आपको देखने को मिल जाती है। आगे जो है यहाँ पर शॉप है, आप यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी अलग अलग गेम्स आपको जो है इस पूरे एरिया में देखने को मिल जाती है। ये देखिए अभी एक और राइड जो है ये शुरू होने वाली है, स्काई रेस वाली, ये दिखाते हैं अभी आपको। ते बॉक्सिंग वाली गेम भाई बढ़िया लग रही है देखने में पूरी। ये देखिए एक और रेस वाली गेम, ये लो भाई जिस राइड का इंतजार था ये राइड हो गई है शुरू। ये देख सकते हैं भाई काफी बढ़िया लग रही है देखने में पूरी की पूरी। ये देखिए ओ भाई स्पीड बढ़ गई इसकी पूरी, ओ तेरी। ये देख सकते हैं आप एक और राइड आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, कुछ अलग ही टाइप की जो है ये गेम पूरी बनी हुई है। देख रहे हैं इसको आप कार राइड भी कह सकते हैं, बोट राइड भी कह सकते हैं, जो भी इसमें गाड़ी की तरह जो है चलानी पड़ती है पूरी स्पीड मोटो कार जो है ये राइड बनी हुई है पूरी। पूरे पार्टी हॉल है इसमें, छोटे बच्चों के साथ में आप जो है पार्टी कर सकते हैं, जो है आप अपने बच्चों को जो है यहाँ पे छोटे बच्चों को लेकर आ सकते हैं, इंजॉय करा सकते हैं और इन्हीं बच्चों के साथ में जो है आप खुद भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं फ्री वीकेंड्स में। बाहर भी कई सारी 3D गेम्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। गेम जो था ये तो देख लिया, अभी जो है अब आपको लेकर चल रहे हैं ऊपर। ये देख सकते हैं भाई अब बढ़ रहे हैं यहाँ से ऊपर। ये देखिए ऊपर चल के देखते हैं ऊपर हमें क्या क्या जो है ये देखने को मिलता है। कुछ जो है यहाँ पर आपको अलग अलग रेस्टोरेंट, नीचे फूड कोर्ट एरिया दिखाए थे, अब जो है आपको यहाँ पर अलग अलग फूड कोर्ट देखने को मिलेंगे यहीं पर नजर आएगा। यहाँ पर बड़े बड़े और भी अलग अलग टाइप के जो है रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वेज फूड और चाइनीज, इंडियन और भी कई सारे फूड्स में, जैसे द्वारका और भी कई सारे यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आगे आपको PVR देखने को मिल जाता है भाई, यहाँ बता दिया इन्होंने PVR आपको आगे देखने को मिलेगा। बाकी कई सारे भाई ढाबे जो है रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पर जो है। इंटीरियर देख सकते हैं हम कितना बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भाई। यहाँ जो है लिफ्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल आप जो है ऊपर नीचे जाने में कर सकते हैं।
यहाँ जो है भाई आप आ गए ऊपर की तरफ, यहाँ जो है आप ले सकते हैं सेल्फी। सेल्फी पॉइंट भी वही काफी बढ़िया है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कितना बड़ा इंटीरियर बना हुआ है। यहाँ पर डीजे शो जो है ये होता है, नाच फिर सकते हैं, गावा सकते हैं। ये चीज जो थी ये तो भाई चल गई है पता, देख रहे हैं। बाकी ये देख सकते हैं डीजे फ्लोर आपको यहाँ देखने को मिल गया है। बाकी अब जो है अब चलते हैं पीवीआर की तरफ। अब जो है लेकर आ गए आपको पीवीआर की तरफ, देख रहे हैं यहाँ पे है पीवीआर। इसकी टिकट्स मूवी टिकट्स जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से लेने के बाद जो है आप अंदर जा सकते हैं, अंदर आपको कई सारी मूवीज जो है उसका आनंद आप जो है अंदर ले सकते हैं पीवीआर में। बाकी यहाँ पे आपको कई सारी आइसक्रीम्स और भी कई सारे अलग अलग फूड्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। पीवीआर आपने यहाँ देखा तो एक पीवीआर ऊपर भी है, वो आपको दिखा देते हैं। तो भाई अब जो है अब लेकर चल रहे हैं आपको ऊपर। ऊपर भी बताया गया है कि ऊपर भी एक और जो है पीवीआर बना हुआ है। तो आप नोट कर सकते हैं कि वेगस मॉल में दो पीवीआर बने हुए हैं यहाँ पर, सकते हैं भाई यहाँ जो है कुछ इस टाइप बनी हुई है फिल्म्स एरिया, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं इस पूरी फिल्म्स की। ये अंदर है पीवीआर। चलिए अब जो है इस पूरे एरिया का मैंने आपको पूरा फुल टूर करा दिया है। एक एक चीज़ जो है वो जो जितनी इन्फॉर्मेशन फुल थी ये मैंने आप तक शेयर करी दी है। तो चलिए भाई अब जो है यहाँ से उतरते हैं नीचे। चलिए भाई यहाँ जो है फेस्टिवल सीजन जो है लगने जा रहा है, तो उसको लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ बनाई हुई है, वो भी मेन हॉल में। देख रहे हैं पूरा बीच का हॉल है यहाँ पर, देखने को मिल गई है सुराई। भाई ये देखिए सुराई का साइज आज के टाइम में बढ़ चुका है, पहले का छोटा हुआ करता था अब बड़ा हो गया, देख रहे हैं। जो है एक से एक ब्रांड से जैसे अलग अलग पैंट टी शर्ट जीन्स इन सभी से रिलेटेड लेडीज और जेंट्स की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं पूरे एरिए में। भाई इस पूरे एरिया का जो है फुल टूर तो हो गया है, तो अब जो है अब हमें जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं से हमें जो है एग्जिट लेनी पड़ेगी। तो यहीं से एंट्री थी यहीं से एग्जिट थी। तो चलिए अब जो है निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये देख सकते हैं मेन एंट्री एग्जिट गेट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अब जा रहे हैं यहाँ से बाहर। तो भाई दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दोस्तों वेगस मॉल जो सेक्टर 14 में ही पूरा बनाया हुआ है इसका मैंने आपको पूरा का पूरा फुल टूर करा दिया है, वो भी नाइट में। भाई नाइट में जो है आपको लाइटनिंग्स देखने को मिल जाती है खासकर। बाकी एक जो है वाटरफॉल जो होता है बाहर वेगस मॉल के, ये मैंने आप तक दिखा दिया। तो भाई उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। भाई ये देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे जलपरी आपने कई बार पानी में देखी होगी, यहाँ पर आपको घास परी देखने को मिलेगी।